इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 6। इस डायग्राम में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट साइकिल को दिखाया हुआ है। तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करती है और RBC में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है उससे ये ऑक्सीजन कंबाइन होती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब टिश्यू तक जाएगा और यह RBC अब टिश्यू में ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट साइकिल हमारी बॉडी में रन करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो 97% ऑक्सीजन हमारी बॉडी में RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। RBC में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उससे कंबाइन होती है ऑक्सीजन और केवल 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है। और ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है और हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होती है। अब रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होने का मतलब है कि लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और जब यह ब्लड टिश्यू में पहुँचेगा तो हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिवर्सिबल मैनर में कंबाइन होता है और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो सकता है। 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। अब हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करेंगे कि इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन पर भी हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक करके आते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अब जरा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, ये एक कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये ध्यान दीजिए, चॉइस देखिए और चॉइस का अरेंजमेंट देखिए। तो ए जो चॉइस है उस पर 4 एटम्स 8 एटम्स 4 मॉलिक्यूल्स और डी चॉइस है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। हमने अपने सेंटर पे अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करवाया और यकीन मानिए जल्दबाजी में हमारे स्टूडेंट्स ने हमें आंसर किया ए। बहुत तुरंत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने हमें आंसर किया 4, क्योंकि उन्होंने केवल 4 देखा, 4 के आगे तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि 4 एटम्स है या 4 मॉलिक्यूल्स है। तो आपकी जल्दबाजी का इस तरह से जो हमारे एग्जामिनर हैं वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी कॉम्पिटिशन्स में सवालों को पढ़ें तो ध्यान दीजिए कि सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आपकी ये छोटी छोटी जो वीकनेस हैं इनका बहुत फ़ायदा उठाते हैं ये एग्जामिनर। तो ऐसे अपने वीकनेस का फ़ायदा अपने एग्जामिनर्स को मत उठाने दीजिए। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चॉइस 8 एटम्स या 4 मॉलिक्यूल ये दोनों ही चॉइस बिल्कुल सही बैठ रही हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन से कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यह पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर साइट पर ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसी प्रपोर्शन में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग भी बढ़ेगी। और जब हम इन दोनों बातों का जब हम ग्राफ बनाते हैं, क्या कि पार्शियल प्रेशर कितना है उस पर्टिकुलर साइट पे ऑक्सीजन का और कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट हो चुका है, तो अगर इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनका हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हमें एक एस शेप का कर्व मिलता है जिसे हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व, और इसी कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं।
फिर से बात को समझते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिसाइड करता है कि कितनी ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ, और जैसे जैसे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ता चला जाएगा। सैचुरेशन का क्या मतलब है कि उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते चले जाएंगे, वह ऑक्सीजन से सैचुरेट होते चले जाएंगे। तो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब इन दोनों बातों का हम प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं ऑक्सीजन का और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और अब जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक एस शेप का कर्व मिलता है जिसे हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं, और इसी कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। तो अब ये जो ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन कंबाइन होगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वह क्या फैक्टर्स हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की उसी साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पार्शियल प्रेशर है, और हाइड्रोजन आयन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और टेम्परेचर कितना है। तो डेफिनेटली जो पहला जो फैक्टर है वह है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इस फैक्टर के साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिसाइड करेंगे कि हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो वह क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो ये फैक्टर्स भी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन को डिसाइड करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और अब हम एल्वियोलाई की बात करें, लंग्स की बात करें, तो लंग्स में अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है लंग्स में। तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वह कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, रिकॉल करिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि डिसोसिएट होगा बाइकार्बोनेट आयन और एच आयन में। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। तो एल्वियोलाई में क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, और एल्वियोलाई में बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फेवर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो, जबकि टिश्यू में जो कंडीशंस हैं वह जस्ट ऑपोजिट हैं। क्या कंडीशंस हैं, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वह भी ज़्यादा है, और टिश्यू में टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सारी कंडीशंस फेवर करती हैं कि अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसका डिसोसिएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो और हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दे। तो टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन शुरू हो जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं टिश्यू में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन को फेवर करेंगे, जबकि एल्वियोलाई में जो एनवायरनमेंट बना हुआ है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। तो इस तरह से ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब बाइंड होगी और कब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, जबकि टिश्यू में ये ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन से और इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रिलीज कर देगा टिश्यू में। तो ये जो स्टडी हम करते हैं और एक कर्व जो हमें मिलता है इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं।
इस डायग्राम की हेल्प से हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए, तो एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे ये हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन का परसेंटेज दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा भी रहे हैं एक पॉइंट के बाद, तो अब हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन रेट नहीं बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो बहुत ऑब्वियस है कि हीमोग्लोबिन पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट हो चुका है। तो इस तरह से जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, तो ये हमें एक एस शेप का ग्राफ मिलता है और इसी को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो यहाँ पर इस कर्व में हमने यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं, ये देखिए ये डॉटेड लाइंस हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कर्व शिफ्टेड टू राइट, कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कंडीशन को जरा स्टडी कीजिए। तो इस यहाँ पे एनवायरनमेंट बता रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है, और पार्शियल प्रेशर जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो इसका मतलब एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है। तो जब एसिडिटी ज़्यादा होगी तो पीएच कम होगा। तो इस कंडीशन में तो अगर ये फैक्टर्स भी मौजूद हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीजन के सेम पार्शियल प्रेशर पर भी हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन का जो रेट होगा ऑक्सीजन के साथ वह कम होगा। क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। तो इन कंडीशंस में सेम पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन रेट है ऑक्सीजन के साथ वह कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो कर्व है वह राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर यह कर्व है तो इस कर्व का यह राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इस तरह से इन कंडीशंस में ये सिग्मोइड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और रिकॉल कीजिए कि ये कंडीशंस कहाँ पर हैं। तो हमारी बॉडी में ये कंडीशंस होती हैं टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो इन कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, जो ऑक्सीजन अब टिश्यू की सेल्स को सप्लाई की जाएगी। और यहाँ पर ये कंडीशन देखिए, तो कंडीशंस यहाँ पर क्या मेंशन है कि टेम्परेचर थोड़ा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वह भी कम है, और जिसकी वजह से एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर ये कंडीशंस होती हैं तो सेम पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए वह बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट ये जो सिग्मोइड कर्व है यह लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और रिकॉल कीजिए कि ये कंडीशंस हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो यह कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं लंग्स में। तो लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और एज अ रिजल्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा इन कंडीशंस में, और टिश्यू में उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा इन पर्टिकुलर कंडीशंस में। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को जब हम स्टडी करते हैं ग्राफ की फॉर्म में तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व की हेल्प से बोहर्स इफेक्ट भी जान लेते हैं। तो ये कर्व तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ ही गया है। तो ये जो कर्व का इस ग्राफ का ये जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है जो कर्व शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ, किन कंडीशंस में शिफ्ट हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इस इफेक्ट को भी हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं।
तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो उस केस में टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वह बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी उस पर्टिकुलर टिश्यू में, जो टिश्यू एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो जो हमारे जो लेग मसल्स हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, और अब लेग मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, यानी कि हर जो 100 ml हमारा ब्लड है हमारी बॉडी का, वह टिश्यू में 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशन में। जो अभी इस समय नॉर्मल कंडीशन है, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है बॉडी में, तो नॉर्मल कंडीशंस में एवरी 100 ml ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है। हर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि वीनस ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी भी 15 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि हर 100 ml ब्लड केवल और केवल 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यू को डिलीवर कर रहा है। और जब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हम करते हैं या कुछ स्ट्रेस कंडीशन हमारी बॉडी में होती है, तो उस समय यह जो कंडीशन है यह चेंज हो जाती है। वीनस ब्लड में का जो लेवल है वह 5 ml तक गिर जाता है। वीनस ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वह 5 ml तक गिर जाता है। इसका मतलब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज के दौरान हर 100 ml ब्लड अब 15 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी को। तो इस तरह से जब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हम करते हैं, कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो ऑक्सीजन का जो रिलीज है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वह बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फर्दर बढ़ा देगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो बोहर्स इफेक्ट ही लागू हो रहा है, क्योंकि बोहर्स इफेक्ट जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट अब जो ब्लड है वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा उस पर्टिकुलर टिश्यू को।